मध्यकालीन संत महात्मा कबीर ऐसे संत भक्त हुए हैं जिन्होंने भारतीय जीवन के अत्यंत ही गहराई को प्रभावित किया है। भारत के मूल जीवन दर्शन का पुनरुत्थान कर नवीन चेतना का प्रवाह मानव जीवन के ऐहिक और पारलौकिक कल्याण की कामना कबीरदास जी के दोहे का मुख्य उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि कबीर के दोहों का अध्ययन और अध्यापन केवल कबीरपंथी ही नहीं करते, जन सामान्य में भी उनकी कविताएं लोकप्रिय हैं, उनके दोहे लोकप्रिय हैं, उनके साहित्य लोकप्रिय है। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा अर्थात साधु और संतों की भाषा है। जहां उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी और कहीं कहीं शेखावटी की खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, वहीं कहीं कहीं भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग सुनने को मिलता है। कबीरदास न स्वयं लिखते थे न किसी से लिखाते थे, उनके शिष्य मंडली स्मरण मात्र से ही उनकी साखियों और पदों का संकलन करती थी। यही कारण है कि विभिन्न संस्करणों की भाषा भी कुछ कुछ भिन्न होती गई, कुछ अवधि के ठेठ के रूप में, तो कुछ राजस्थानी से प्रभावित ब्रज भाषा में, और कई पद तो भोजपुरी भाषा में भी संग्रहित हैं। आज के दूषित और तनावपूर्ण वातावरण में जहां नैतिक पतन, सामाजिक और चारित्रिक पतन की ओर हम सभी तेजी से गर्त की ओर जा रहे हैं, ऐसे में कबीर की वाणी आज कितना महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कबीरदास जी की सार्थकता और भी बढ़ जाती है। वह निर्गुण स्वरूप हो तो कबीरदास से बड़ा संत कोई दिखता नहीं है, जिनकी कविताओं में निर्गुणात्मक स्वरूप का बड़े ही उच्च कोटि से वर्णन किया गया है। आज मैं कबीर के जिन पदों को गाऊंगा या परिभाषित करूंगा, उसमें मूल भावधारा को अक्षुण्ण रखने की चेष्टा और प्रामाणिक अभिव्यक्तियां भी प्रस्तुत की गई हैं। तो आइए कबीरदास जी के कुछ खास दोहे साखियों का हम लोग गायन और पाठन करें। प्रभु सभी के हृदय में वास करते हैं, निवास करते हैं, केवल यह जान लेने मात्र से भटकन बंद हो जाएगा। हम भटकते हैं, निरर्थक भटकते हैं, सार्थक भटकने को तैयार नहीं है। केवल यह जान लें कि प्रभु तो हमारे अंदर है और कहीं नहीं है। कस्तूरी कुंडली बसे धनी सागा मागा सानी सागा धनी सागा माधा कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। मृग की नाभि में कस्तूरी रहता है, वह उसकी सुगंध से अभिभूत होकर उसे प्राप्त करने के लिए वनों में घासों में उसे ढूंढता रहता है, वो कस्तूरी ढूंढती रहती है। वैसे ही भगवान प्रत्येक के अंतःकरण में निवास करते हैं। जीव उस आनंद के आभास से मुग्ध होकर उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करने की इच्छा से विभिन्न साधनाओं में भटकता है, मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, देश जाता है, विदेश जाता है और भटकता रहता है। जीव अपने आप में अंतर्मुखी होकर नहीं ढूंढता, क्योंकि वह तो अंदर है पर इसके बिना वह प्राप्य नहीं है।
मृग ढूंढे हमारे अंदर में ही प्रभु विराजते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। वह हमारी आत्मा इतनी सक्षम नहीं बन पाती, हम उसको सक्षम नहीं बना पाते। मनुष्य ठग मनुष्य औरों को ठगने से ज्यादा स्वयं को ही तो ठगता है। हम दूसरे को ठगने चलते हैं, लेकिन हम उससे ज्यादा अपनी आत्मा को ही ठगते हैं। कबीर आप ठगाइए, कबीर कबीर आप ठगाइए और न ठगिए को, आप ठगया सुख उपजे और ठगया दुख हो। कितनी बढ़िया बात कही है कबीरदास जी ने कि स्वयं किसी दूसरे से ठगे जाओ, दूसरे तुम्हें ठग ले, उनसे तुम ठगे जाओ, दूसरों को मत ठगो, मत ठगो। संत को स्वयं के ठगे जाने से आनंद और दूसरे को ठगने से दुख की अनुभूति होती है, और सचमुच में वही सच्चा संत है जो दूसरों के सुख में ही अपना सुख ढूंढता है और अपने दुख में भी वह सुखी ही होता है। कबीर आप ठगाइए और न ठगिया कोई, आप ठगिया सुख उपजे और ठगिया दुख होए। कबीर और ठगिया दुख हो, कबीर कबीर कबीरा 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 आप ठगिया।